ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुध पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कुशभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यस मयूरी माता जी बताएंगी 10 नाम प्राप्त। जी हाँ प्रभु, बोलो प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरि नाम के प्रति 10 अपराध। जिन भक्तों ने भगवत नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं, उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य अथवा उससे स्वतंत्र मानना। तीसरा, वैदिक साहित्य या प्रमाणों को सिद्ध तीसरा वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। चौथा, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। आठवां, हरे कृष्ण कीर्तन के कोई वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना। नौवां, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। दसवां, जी इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना तथा हरि नाम का ध्यान से जाप करना भी, हरि हरि जाप करना भी, ध्यान से जाप न करना भी ये अपराध है। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हमारे कोई भी भक्त ने वीडियो ऑन नहीं किया है। ठीक है, क्या बात है, सब ठीक तो है। रोहिणी नंदन प्रभु, क्या हो गया आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब धन्यवाद, प्रणाम। सब ठीक तो है? तो बढ़िया बढ़िया प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो कल हमने चर्चा करी भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पूर्ण भगवद गीता का एक सार है ना। पूरी भगवद गीता को अगर एकमात्र श्लोक में बताया जाए तो वो यही है, धर्म सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये श्लोक आता होगा। किसको किसको आता है, हैंड रेस कर लेंगे। एंड मयूरी माता जी वही वीडियो में हैंड रेस कर रही है। ठीक है, 8 लोगों को, बस 8 लोगों को आता है, बाकी लोगों को नहीं आता। चलो ठीक है, तो ये श्लोक सबको आना चाहिए। मैं कल पूछूंगा, सबको ये श्लोक याद रहना चाहिए, सबको, हर किसी को ये श्लोक याद रहना चाहिए। कल हम इस पे चर्चा, कल हम ये श्लोक को पूछेंगे। ठीक है, तो सर्वधर्मान, समस्त प्रकारों के धर्मों का परित्याग करो
और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो इसमें कोई कोई ना ये ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भगवान यहाँ कह रहे हैं आप सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आओ, है ना। लेकिन कई कई जगह भगवान ने बोला है कि वर्ण आश्रम धर्म को करना ही पड़ेगा, है ना, और कर्म तो करना ही पड़ेगा। तीसरे अध्याय में बताया है, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठन्तम अकर्म कृत, मतलब किसी भी एक क्षण के लिए भी आदमी जो है ना अकर्म नहीं कर्म करना ऐसा नहीं हो सकता, उसको तो कर्म करना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पिचा तेना अकर्मणे प्रसिद्ध प्रसिद्धये अकर्मणा, है ना। ऐसा जो है अपने नियत कर्म को करो और जो है ना तुम कम से कम शरीर जीवन, शरीर को पालन करने के लिए, शरीर का पेट भरने के लिए भगवान बोलते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम बिना कर्म किए रहो। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, कर्म करना ही श्रेष्ठ है ना। शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, इसलिए तुम बिना कर्म करे नहीं रहो, कर्म करो। तो यहाँ बोल सकते हैं कि आप यहाँ बता रहे हैं कि सारे कर्मों का परित्याग कर दो, हम ज्ञान योग धर्म स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म जितने हैं उनका त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। एक तरफ तो बोलते हैं कर्म करो और एक तरफ बोलते हैं छोड़ दो और मेरी शरण में। तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म हम अगर अपने लिए करेंगे तो वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करना पड़ेगा। अगर पूर्ण रूप से सभी प्रकारों से हम त्याग के कृष्ण की शरण में जा रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं, तो हम सारे कर्मों से छुटकारा हमको मिल सकता है। हम ना भी करें तो भी भगवान कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, तो सब संतुष्ट हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का ऋण किसी के ऊपर नहीं रह जाता अगर वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कल जल्दी जल्दी में हमने काफी जल्दी इसको किया था क्योंकि बड़ा श्लोक है, चर्चा ही नहीं हो पाई। तो भगवान की शरणागति, भगवान के मतलब ऐसा कौन सा समय है जब हमको हम भगवान की शरणागति करें और भगवान हमको सबसे मुक्त कर लें। तो कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का काम होता है, बुढ़ापे में जाओ भगवान की शरणागति ग्रहण करो, भगवान सभी पापों से मुक्त कर देंगे और फिर मृत्यु आसान। तो क्या ये संभव है? हमको तो यही नहीं मालूम हमारा अंत समय कब आएगा, इसलिए ये बड़ा रिस्की हो जाएगा। कल कब हमारे प्राण छूट जाए, शरीर छूट जाए हमारा, पता नहीं पड़ेगा। और अगर उसके पहले भक्ति नहीं हुई तो हम सारे पाप और पुण्य को लेके अपने साथ जाएंगे और उन सबको भोगना पड़ेगा, है ना। ये कितना बड़ा रिस्क है। बेहतर तो ये है कि तत्काल आज के आज हम भगवान की शरणागति ग्रहण करें, कल का पता नहीं कब प्राण छूट जाएंगे। आजकल तो कम एज में भी लोग चले जा रहे हैं, तो मृत्यु के पहले भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। और शरणागति भी ऐसी स्वीकार करनी है कि हम पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हम भगवान की शरणागति स्वीकार करें, तभी जाके हम अपने आप को सभी पापों से मुक्त करा पाएंगे। और इसमें एक और चीज होती है, आज शरणागति कर लिए, आज भगवान ऐसा समझ में आ गया कि अब तो हम पापों से मुक्त हो गए, फिर कल से कल पाप कर रहे, तो ये जो है ना दोहरा चरित्र नहीं चलता भगवान के सामने। भगवान बोलते हैं कि मैं छलियाओं में जुआरी हूँ, मैं जुआरी हूँ, सबसे बड़ा छलिया तो मैं हूँ, तुम मेरे साथ क्या छल छलोगे, 10वें अध्याय में। तो भगवान के साथ जो है ना इस टाइप का गेम नहीं खेला जा सकता कि हे प्रभु मैं आपके शरणों में आज आ गया हूँ और फिर कल पाप कर लिए, फिर परसों बोल दिए हे प्रभु फिर आपके शरणों में आ गया हूँ, फिर उसके बाद पाप कर लिए, फिर बोल दिए हे प्रभु मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो ऐसा नहीं होता। हम जिस दिन अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान के शरण में जाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा, हे प्रभु आपकी शरण में आ गया हूँ, उस दिन सही मायने में हम शरण में जाते हैं। जिस दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए ना हो, तब जाके हमारी सर्वधर्मान परित्यज्य जो है ना उसको हम वास्तविकता में मानते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सारे कर्म को भगवान के लिए करो, तब जाके भगवान जो है हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक कथा आती है खटवांग महाराज की। खटवांग महाराज
जो है जिनके जो स्वर्ग लोक में थे उन्होंने देवताओं के लिए बहुत जो है ना युद्ध किया, उनको जो है जिताया। तो खटवांग महाराज से पूछा, खटवांग महाराज ने जब खत्म हुआ तब स्वर्ग में इंद्र से पूछा कि जो है मेरे जीवन में कितना समय बचा है। तो खटवांग महाराज को बताया कि एक मुहूर्त बस बचा है अब आपके जीवन का। तो उन्होंने बोला मेरे को तुरंत तत्काल जो है ना पृथ्वी में भेजो और मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। तो अंत काल में एक मुहूर्त बचा था तब खटवांग महाराज ने भगवान की शरण ग्रहण की और वो भगवत धाम को चले गए। मतलब सिंसियरली सीरियसली सिर्फ एक पल का फर्क पड़ जाता है, एक पल। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हाउ मच टाइम डस इट टेक टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्ण की शरण ग्रहण करने में कितना समय लगता है, कितना? तो प्रभुपाद ने कहा एक मोमेंट, वन मोमेंट, एक पल का बस जो है ना एक पल लगता है भगवान की शरण ग्रहण करना, और हो सकता है पूरा जीवन भी लग जाए तो भी शरण नहीं ग्रहण कर सकते। ये तो भावनाओं के ऊपर है, कब आपके अंदर भावना आती है भगवान के प्रति शरणागति की। एक पल में व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के शरण में डाल सकता है। जब 6 कल हमने पढ़ा ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षयिषीति विश्वासो गोपतृत्वम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड विधा शरणागति। ये 6 विधि हैं शरणागति की, जिसमें हम ये 6 चीजों को अगर फॉलो करते हैं तब जाके हम भगवान की शरणागति करते हैं। अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल को मना करना, है ना? और क्या है, रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ये विश्वास करना, और गोपतृत्वे वर्णम तथा, मतलब अपने आप को कृष्ण की शरण में लाना और वो मेरे स्वामी है, हर कार्य पे उन पे निर्भर होना, ये होता है गोपतृत्वे वर्णम तथा। और आत्मनिक्षेप मीन्स अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, न मेरा मान, न मेरा सम्मान, न मेरा अस्तित्व, न मेरा नाम, न मेरे घर, न मेरा परिवार, न मेरा धन, न मेरा कुछ और, सिर्फ कृष्ण, ये होता है आत्मनिक्षेप। और कार्पण्य, विनम्रता होनी चाहिए। क्रोधी स्वभाव से चिल्ला रहा है, डांट रहा है लोगों को, दूसरों के प्रति जो है ना जो है आक्रोशिक है, क्रोध भाव खराब है, हीन भावना है, डिप्लोमेटिक है, ये सब नहीं चलेगा, है ना? विनम्रता, सरलता, साफ होना चाहिए व्यक्ति। तो ये शरणागति की विधियां बताई थी हमने कल। तो मेरे को आशा है कि कल सबको ये श्लोक पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में, क्रमांक 67। ठीक है, अब बस हमारी लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं हम। 78 नंबर के श्लोक है टोटल, यहाँ पे 11 श्लोक शेष रह चुके हैं समाप्त, मतलब कंप्लीट होने पे। ठीक है, 67 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे सब लोग। इदं ते ना ना तपस्काय, इदं ते इदंते नात्पसक्काय इदं ना भक्ताय कदाचन, ना ना भक्ताय भक्ताय कदाचन, कदाचन। न च अश्रुश्रुष्वे वाच्यम ना वाच्यम चा अश्रु श्रुष्वे अश्रुष्व वाच्यम, वाच्यम न च माम यो अभी अभ्यसूयति, न न च माम च यो अभी असूयति। असूयति। इदं ते न तपस्काय, इदं इदं ते ते न ना अपक तपस्काय, न भक्ताय कदाचन, ना न भक्ताय भक्ताय कदाचन, कदाचन। न चा शुश्रूषवे वाच्यम, न न च चा अशुश्रूवे वाच्यम, वाच्यम, न न च माम यो अभिशूयति, न च चा माम यो माम यो अभिशूयति। अभ्यसूयति। बोलिए माता जी।
तेना तपस्काय तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना ना भक्ताय भक्ताय कदाचन कदाचन न च अश्रु सुश्रये सुश्रवे वाच्यम न च अश्रु सुश्रवे श्रुवाय वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति न च न च माम माम यो अभिष्यति। अभ्यसूयति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुवाद। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। इदम ते ना तपस्काय। इदम ते मीन्स यह ज्ञान तुम्हारे द्वारा, इदम ते इसको तुम्हारे द्वारा किसी अतपस्काय, अतपस्काय मीन्स जिसने जीवन में तपस्या नहीं करी है ना, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने मन को नहीं रोक पाता है। तपस्या का मतलब हमने पढ़ा था, ऐसे कार्य करना जो मन को पसंद नहीं है लेकिन हमारे को भक्ति में बढ़ने के लिए जरूरी है तपस्या इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो मन के मुताबिक जीता है वो तपस्वी नहीं है, है ना। जिसका मन उसका बुद्धि के ऊपर हावी है, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने आप को सुखी रखने के प्रयास में है, वो तपस्वी नहीं है। तो तपस्वी कौन है? जो अपने आप के इंद्रिय निग्रह करता है, कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है और ऐसे कार्यों में लगता है जिससे उसको थोड़ी सी तकलीफ हो, है ना। इदम ते ना अतपस्काय। जो तपस्या, अतपस्या, तपस्या मीन्स तपस्या करने वाला, और अतपस्या मीन्स जो तपस्या नहीं करने वाला है, उसको क्या नहीं बताना है? इदम ते ना अतपस्काय, उसको नहीं बताना है। हे अर्जुन, तुम नहीं बताना किसको? पहले जो अतपस्वी है, जो तपस्या नहीं कर रहा, उसको मत बताना। सेकंड, ना अभक्ताय। ना अभक्ताय मीन्स जो कभी भक्ति नहीं करता, जो भक्ति में रत नहीं है, भक्ति के कार्यों को नहीं कर रहा, उसको भी नहीं बताना। कदाचन मीन्स कभी भी नहीं, किसी भी समय में, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में मत बताना, है ना। और क्या? न च अश्रुष्वे वाच्यम। अश्रुष्वे मीन्स जो सरेंडर नहीं है कृष्ण के प्रति, जो भगवान की, श्रुष्वे मीन्स भगवान की भक्ति, जो कथा कीर्तन सुनने में आनंद लेता है, जो भगवान की ग्रंथों को पढ़ता है, गुरु के आदेशों को स्वीकार करता है, अशुष्यवे मीन्स जो ये सब नहीं करता, जो भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान के शास्त्रों का आदेश नहीं सुनता, गुरु की वाणी नहीं सुनता, अशुष्यवे जो इनको फॉलो नहीं करता, है ना, उसको भी मत बताना। वाच्यम न च माम यह अभी अभ्य सूयती, और उसको तो बिल्कुल भी मत बताना। न च माम यह का मतलब यहाँ पे आ गया कि बिल्कुल भी नहीं, एकदम कड़क तरीके से उसको तो बिल्कुल भी मत बताना। किसको? अभ्यसूयति मीन्स जो मुझसे द्वेषी है, जो मेरा द्वेष करता है, उसको तो भूल के भी मत बता दे। बाकी तीन को एक बार भूल के बता सकते हो, लेकिन द्वेषी को तो भूल के भी नहीं बता सकते, ये बता रहे भगवान यहाँ। चार लोगों की वर्णन किया है भगवान ने। अतपस्काय मीन जो तपस्या नहीं करता है, अभक्ताय मीन जो भगवान का भक्त नहीं है, और अशुष्वे जो भगवान के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, गुरु की वाणी को फॉलो नहीं करता, और अभ्यसूयति जो भगवान से द्वेष करता है। ये चार प्रकार के लोग हैं, इनको भगवान का क्या नहीं बताना है? इदम ते यह ज्ञान। यह ज्ञान मीन्स भगवत गीता का ज्ञान है ना। भगवत गीता क्यों? इसीलिए हम देखते हैं कि सब कोई को भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिल पाता, या दे भी नहीं पाते हम। क्यों? क्योंकि उनकी सरेंडर भावना नहीं है, है ना, द्वेषी है। कृष्ण तो एक व्यक्ति थे, कृष्ण तो एक मनुष्य थे, जो ये सब सोचते हैं उनको तो भगवत गीता का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं बता, लेकिन बाकियों को बताना है, जो शांति से सुन सकते हैं, जो समझ सकते हैं, या जिनका इंटरेस्ट है। एक होता है
खाली गिलास, सीधा खाली गिलास, और एक होता है उल्टा खाली गिलास। दोनों में गिलास खाली रहता है ना, सीधा भी रखेंगे तो भी खाली है, उल्टा भी रखेंगे तो भी खाली है। लेकिन किस अवस्था में होगा जो उसमें पानी भरा जाएगा? जब ग्लास सीधा होगा तभी उसमें पानी भरा जाएगा। उल्टे ग्लास में पानी भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। तो जो व्यक्ति का ग्रहण करने का मूड होता है उसको बताया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का ग्रहण करने का मूड नहीं है, जो उल्टे ग्लास की तरह है, भले खाली है लेकिन वो उल्टा है, तो उसको हम नहीं बता सकते, उसमें पानी नहीं भर सकते। तो जो व्यक्ति है जो भगवान के ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम उसको बता सकते हैं। बाकी जो तैयार ही नहीं, उसको क्या बताएंगे हम ज्ञान, है ना? ये भी जरूरी है कि उसको ये मालूम हो कि मैं खाली हूं, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास ज्ञान नहीं है। अगर वो अपने आप को भरा समझेगा तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भरे ग्लास में पानी नहीं भर सकते, और कैसे भरोगे? वो तो ऑलरेडी फुल है, पहले उसको खाली करना पड़ेगा, फिर भरेंगे तब भराएगा, नहीं तो नहीं भराएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पहले तो खुद को माने कि मैं खाली हूं, फिर वो ग्रहण करने के मूड में हो, तब हम उसमें कुछ डाल सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उल्टा ही है, जो ग्रहण करने के मूड में ही नहीं है, उल्टे ग्लास की तरह है, तो उसको हम कुछ नहीं दे सकते, हमको उसको देना भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये चार तरह से लोगों को हमको ज्ञान, कौन सा ज्ञान नहीं बताना है, 18.65 और 66, जो टॉप मोस्ट ज्ञान भगवान ने बताया, मन मना भव मत भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये दो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवत गीता का सार है, उसको भगवान बोल रहे हैं किसी को मत बताना। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य वशील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हैं, मतलब अतपस्काय, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति की का कभी प्रयत्न नहीं किया, तो अभक्ताय, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, ये हो गया अश्रुष्वे, और चौथा या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, ये हो गया अभिसूयति, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए, है ना? यही चार लोग जिनको शील प्रभुपाद ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इनको हमको नहीं बताना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं, और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने हित के लिए लगते हैं कृष्ण के भक्त, है ना? कृष्ण की पूजा करेंगे, फोटो भी रखेंगे, इस्कॉन भी आ जाएंगे, हो सकता है इस्कॉन भी आए, प्रसादम भी आपके साथ बैठ के खाएं, लेकिन आपको उसके अंदर पता ही नहीं पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है, वो आया क्यों है यहाँ पे। वो अपने व्यापार के लिए आया है, अपना नेटवर्क बनाने के लिए आया है, मार्केटिंग करने आया है, या यहाँ की लोगों से परिचय करने आया है ताकि मेरा व्यापार बढ़ जाए, या हो सकता है भगवत गीता का धंधा भी कर ले, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसका ये चार सरेंडर का मूड हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है? आगे कहते हैं, लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाषियों से बचना चाहिए। तो जो कृष्ण के सचमुच फॉलोअर हैं, जो भगवान की शरणागति चाहते हैं, उसे ऐसे लोगों से, ऐसी भगवत गीता से दूर रहना चाहिए जो जो साधारण व्यक्ति ने लिखी हो। या आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग अपनी अपनी कमेंट्री डाल देते भगवत गीता, मैंने भी कमेंट्री लिख दी, लोगों ने अपने अपने भाष्य लिख दिए, भगवत गीता एक्सप्लेनेशन, ये वो साधारण लोग लिख देते हैं अपने आप को बड़ा बताने के लिए। तो ऐसे भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पूरे विश्व में 55 करोड़ भगवत गीता अभी तक बढ़ चुकी है, 55 करोड़, इतना बड़ा फिगर है। हो सकता है अभी 60 करोड़ तक न पहुंच गई हो। अलग अलग लैंग्वेजेस में पूरे विश्व में भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की 60 करोड़ के आसपास लगभग हमारी प्रिंट होके निकल चुकी है। तो ऐसे ही लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जो
कमेंट्री खुद के लिए करेंगे, व्यवसाय के लिए करेंगे, उनकी भगवत गीता कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आगे कहते हैं, यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवत गीता पढ़े या पढ़ाए या समझे या समझाए, उसका भक्त होना बहुत जरूरी है। वो कृष्ण को भगवान माने, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसका ज्ञान जो होगा ना, वो ज्ञान जो बताते हैं ना, सर्प के द्वारा मुंह लगाया हुआ दूध के समान होगा, विष बन जाएगा। देगा भगवत गीता ही क्या ज्ञान, लेकिन जब वो अंदर से भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मान रहा है, तो उसके ज्ञान में, उसके आदेशों में, उसके प्रवचन में वो भावना ही नहीं आ पाएगी कृष्ण को भगवान मानने की। तभी देखते हैं हम कितने लफड़े हो रहे हैं। अभी कौन तो एक प्रवचन दे दिया था राधा रानी के ऊपर, पूरा संप्रदाय उसके विरुद्ध हो गया है। वर्ष प्रमोद मिश्रा जी प्रभु जी, तो अब क्या है, देखिए, खाली अपने आप को पिक्चरों में बनाए रखने के लिए, अपने आप को टीवी में बनाए रखने के लिए लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा नाम हो, हमको 10 लोग जाने। ये गलत तरीका है। ये अपनी ख्याति, अपने आप अपना प्रचार करने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता को भगवानों के साथ इस तरह के कमेंट करना ये उचित नहीं। अपने आप का नाम हो इसलिए भगवान को उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ये गलत है। आप पढ़े नहीं हो, आप जाने नहीं हो, उस विषय में भी आप बोल दे रहे हो। बहुत जरूरी है, हमने जो गुरुओं से ग्रहण किया है उसी को बोले, उससे एक शब्द भी ज्यादा ना बोले, अपने दिल से, अपने अनुमान से तो कुछ भी ना बोले। जो शील प्रभुपाद की वाणी है, जो गुरुओं की वाणी है, उसी को हम प्रचार के लिए यूज कर सकते हैं। अपने अंदर से कुछ भी नहीं बोल सकते। अपना पता लगा, नई नई कहानी बना लिए, अपना ही कुछ ना कुछ ऐसा स्टोरी बना के लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भवित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। तो जो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा अपने गुरुओं के, सीनियरों के हिसाब से, तो वो भी भगवान को नहीं समझ सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम है और उनसे कोई ना और कोई ना तो उनसे बढ़कर ना उनके समान है। तो कई लोग इसलिए द्वेष करते हैं। बहुत से संप्रदाय हैं, अरे खाली कृष्ण क्यों क्यों सुप्रीम है भाई, हमारे भी हैं, हम तो इससे 80 जी 80 80 जो भी है XYZ, वो बोलते हैं हाँ अल्लाह ग्रेट है, सबसे बड़ा अल्लाह। तो भाई यहाँ पे तो भगवान ने ऐसा बोला है, तो हम कैसे सामंजस्य बिठाए, है ना। तो कई संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है इसलिए वो ऐसा कर कार्य किए, इतना इतना परेशान हो इसलिए मर गए, उनको तीर लगा उनकी मृत्यु हो गई, और अलग 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 बहुत सी बातें, छोड़ के चले गए राधा रानी को, वृंदावन को क्यों छोड़ के चले गए, क्यों उन्होंने अपने माता पिता का ख्याल नहीं किया, क्यों माता पिता को 7-8 वर्ष तक कैद कैद में रहने दिया, देवकी को और वसुदेव को, उनमें जब भगवान है तो इतनी शक्ति होनी चाहिए, बचा लेते वो। तो ये सब लीलाएं हैं, ये नहीं समझ सकता कोई भी, ये उन्होंने लीलाएं करी हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग को भगवत गीता नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का जो भूमिका है पहले शुरुआत में, उसमें भी लिखा है कि जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मानता उसको भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। उस पे उसकी उसकी कही हुई भगवत गीता तो सुननी भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, लॉजिकल लॉजिशियन तार्किक लोग भगवत गीता पे कमेंट लिखते अपना अपना, क्यों? क्योंकि उनको हम उनको लगता है बहुत सीनियर है। तो ऐसा नहीं है, और ये शुद्ध ज्ञान है, जो सरेंडर की भावना में मूड में है वही इस ज्ञान का प्रचार कर सकता है। तो बद्री बद्री नारायण प्रसाद जो थे, बद्री नारायण प्रभु कहते हैं
कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अपने जीवन में अपने घर की खिड़की में इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक दिन आएगा, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन क्या सैनिक आएगा और हमको भगवान के नाम का प्रचार करेगा और हमारा उद्धार होगा। है ना, कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस पूरे विश्व में जिनको ज्ञान के लिए बेचारे तड़प रहे हैं, उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ना, वो चाह रहे हैं कि कोई हमें बताए, कोई तो बताए कि कैसे भगवान के प्रति सरेंडर करना है, करना क्या है जीवन में, किस प्रकार अपने जीवन को कृष्णमय बनाना है। ये ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं लेकिन उन तक पहुंचा नहीं जा पा रहा है। तो हम सबको अपने अपने लेवल में प्रचार करना चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें लेकिन बाकी लोगों को प्रचार करें। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 68। या इदं परमं गुह्यं या या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधाय अभिधास्यति मद्भक्ते अभिधायसिति मद्भक्ति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यसि मामेवेष्यसि असंशयः। संशया या इदं परमं गुह्यं या इदं परमं गुह्यं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति मद्भक्तेषु अभिधास्यति अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा भक्तिमयि भक्तिमयि परां परां कृत्वा कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। माम माम एव एष्यति असंशयः। संशया यह इदं परमं गुह्यं यह यह इदं इदं परमं परमं गुह्यं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति मद्भक्तेषु अभिधास्यति मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा भक्तिमयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः माम माम एव एव एष्यति असंशयः। असंशयः। अनुवाद, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक भगवत गीता के बेनिफिट्स के लिए है ना। ये श्लोक बताता है कि हमको भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़ानी चाहिए, है ना। ये भगवत गीता का महात्म्य में से एक है। भगवत गीता क्यों जरूरी है मनुष्य के जीवन में, ये श्लोक बताता है। यह इदम परमम गुह्यम, जो इस परम जो परम ज्ञान गुह्यम सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट वाला ज्ञान है ये भगवत गीता का। यह इदम परमम गुह्यम, जो ये परम ज्ञान है, मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को कहता है या मेरे भक्तों को सुनाता है या मेरे भक्तों को प्रचार करता है। मेरे भक्तों को प्रचार करता है, नहीं खाली भक्तों को प्रचार करना है। भक्त तो तब बनेगा जब प्रचार होगा, तो पहले कैसे लिख रहे भगवान यहाँ, मेरे भक्तों को बताएगा। तो बेसिकली मेरे भक्तों को बताएगा मींस ऐसा है कि जरूरी नहीं है वो पहले से भक्ति में हो, पहले से माला कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका मूड हो सरेंडर का, जो कृष्ण के को मानता है, भगवान मानता है, जो कृष्ण के लिए सुनने में इंटरेस्टेड है ना, जो इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि द्वेष कर रहा है उसको भी बैठ के भगवद गीता का ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को यह ज्ञान बताता है, जो कोई भी बताता है ना, प्रचार करता है। भक्तिमयी परमाम कृत्वा, और मुझको मेरी भक्ति में वो परम भक्ति में निमग्न हो जाता है।
वो प्राप्त करता है भक्ति को, मुझको दिव्य प्राप्त करता है करके। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार कर रहा है वह भगवान कृष्ण की परम भक्ति को प्राप्त करता है ना। और क्या करता है, मामेव एष्यति असंशय, और उसके बाद वो मेरे धाम को भी प्राप्त करता है, मेरी भक्ति प्राप्त करता है, फिर मेरे को प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम में आके मेरे साथ रहता है फिर वो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। असंशय इसको लोग कह सकते हैं श्लोक देख के, मामेव एष्यति असंशय, और इसमें डाउट है जिसको संधि विच्छेद नहीं आता है वो असंशय, असंशय को संशय गिन लेगा है ना, क्योंकि श्लोक में नहीं लिखा है ना अ, श्लोक में लिखेंगे ना तो माम मामेवेश्यत्य संशय, तो कई लोग उसको संशय पढ़ेंगे, कई लोग असंशय पढ़ेंगे। यही तो गुरु का काम है, गुरु हमारे जीवन से डाउट को क्लियर कर देते हैं। गुरु श्रील प्रभुपाद ने बताया ये संशय नहीं असंशय है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो बेनिफिट्स ऑफ भगवत गीता बुक रीडिंग, सुबह भगवत गीता के क्लास में जो जो आ रहे हैं, जो जो ने जिसने जिसने भी भगवत गीता का पूरा कथा पाठ सुना है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भगवान का इंस्ट्रक्शन आ गया है कि आप सबको दिव्य परम भक्ति प्राप्त होगी और भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। तो इसमें कोई संशय नहीं है, असंशय है, डाउट करना भी नहीं चाहिए कि प्राप्त नहीं होगा क्या प्रभु। मैंने तो पूरी भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करी लेकिन क्या मेरे को भगवान की भक्ति मिलेगी, क्या भगवान प्राप्त होंगे, क्या भगवान का धाम मिलेगा, तो आपको डाउट नहीं करना चाहिए। असंशय भगवान कह रहे कोई डाउट नहीं है कि उसको मेरी परम भक्ति मिलेगी और मेरा जो है ना परम धाम मिलेगा कि नहीं। तो खाली इसी श्लोक के चलते कई लोग हैं ऐसे हमारे संप्रदाय में, हमारे इस्कॉन में, जो कई वर्षों से सिर्फ भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। और पिछले साल जब हमने एक बार भगवत गीता कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद दोबारा भगवत गीता स्टार्ट करी थी, उसके पीछे भी यही श्लोक थे जो मुझे प्रेरणा दे रहे थे कि नहीं दोबारा हमको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए, भगवत गीता की क्लास अच्छे से दोबारा करनी चाहिए। तो हमने करी भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से और भगवान की दया से, अब दूसरा भी सेशन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है और इतना अच्छा सेशन रहा, आप सब भक्तों का हमारा साथ मिला जो रेगुलर प्रेरणा देने के लिए आते रहे, सुबह सुबह उठते रहे, और आप लोग नहीं आते तो कैसे भगवद गीता का ये क्लास हो पाता। बोलते हैं गुरु गुरु तब है जब उसके पास शिष्य है, वो गुरु गुरु नहीं जिसके पास शिष्य नहीं है, शिष्य के बिना गुरु गुरु कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। वैसे ही जब तक श्रोता नहीं होंगे वक्ता क्या कर लेगा, वक्ता वक्ता तब बनेगा जब उसके पास श्रोता होंगे। तो क्लास भी तब बनती है हमारी भगवत गीता की जब उसमें सुनने वाले और बोलने वाले रहते हैं, तब क्लास होती है, तब अदरवाइज कोई क्लास ही नहीं। बगैर क्लास, क्लास खाली रहेगा, कमरा खाली रहेगा, ना टीचर है ना बच्चे हैं तो वो कोई क्लास थोड़ी है, वो तो कमरा है। वैसे ही हमारा ये सेशन जो है भगवत गीता का, ये तभी हुआ जब आप लोगों सब ने सिंसियरली भगवान का ज्ञान सुनने के लिए सुबह सुबह उठे, सब ने तपस्या करी, सब ने अपने अपने लेवल पे भगवान की शरणागति स्वीकार करी, इवन भगवान को भगवान माने, उनकी भक्ति में रत रहे, जो चार गुण हमने पिछले श्लोक में पढ़े है ना, अतपस्काय अभक्ताय अश्रुश्रुवे और अभ्यस्युयति, ये चार जो हैं अवगुण हमारे अंदर नहीं थे, हम सब तपस्या वाले थे, हम सब भक्त मोड में थे, हम शुश्रुवे थे, सुनने के लिए जिज्ञासु थे, और अभिसूयति भगवान से कभी हम द्वेष नहीं करते, हम भगवान को भगवान मानते हैं। तब जाके आप सब ने ये सब स्वीकार किया और भगवान की दया से बहुत अच्छा सेशन रहा। तो फटाफट इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता का विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध होता है हम अगर अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दें, कोई भी श्लोक किसी ने पूछ लिया और अपनी मर्जी से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बचना चाहिए।
जो अगर नहीं आता है तो हमको बोल देना चाहिए, प्रभु जी मेरे को इतना जानकारी नहीं, मैं कल बताऊंगा आपको। लेकिन जब तक हमने किसी गुरु के माध्यम से नहीं सुना है, हमको उस श्लोक पे विवेचना नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा हमारे लिए आदेश है भगवान श्रील प्रभुपाद का, है ना। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या एकमात्र भक्तों का, यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतनों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, मतलब निश्चित है ना। इस श्लोक का मतलब यह है, कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भगवत गीता का प्रचार, है ना। भगवान अगले श्लोक में भी यही बताते हैं कि ना तो मुझसे कभी, उससे मेरे को कभी ज्यादा कोई प्रिय हुआ है, और ना कभी भविष्य में होगा जो भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता है। बहुत जरूरी है भगवत गीता। इवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है ना, वो भी इसी क्लॉज में आ जाता है। आपने किसी को बुक भी दे दी भगवत गीता की, तो अभी प्रचार में आ जाएगा, और आप इस श्लोक के माध्यम से भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी और उनके जो है ना परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत बहुत आभार है सभी भक्तों का जो नित्य प्रतिदिन सुबह तपस्या करते हैं और सरेंडर मोड से भगवान के ज्ञान को स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम मेरा, आपके चरण स्पर्श सबके, जो इतनी शुद्ध तरीके से भगवान के प्रति सरेंडर रहते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस, अपना कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल, अभी 15 मिनट है। हम चाहते हैं कि सब कुछ ना कुछ थोड़ा कहें भगवत गीता के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो आपकी को धन्यवाद बताने, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस ज्ञान को आपने 2 बार हमें समझाया और इस प्रकार मार्गदर्शन कर प्रभुपाद जी के मिशन को आप आगे चला रहे हैं, और हमारे ऊपर भी ऐसे ही कृपा बनी रहे कि हम भी इस मिशन को आगे यदि ले जाए तो यही कामना करते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, ये सकल आत्म प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सारे चीज ऐसा था कि मैं नहीं जानता था, बहुत सारे चीज प्रभु जी आपने पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे चीज सिखाए, बहुत कुछ सिखाए, आपसे बहुत कुछ सीख पाए प्रभु जी, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। और आप हमेशा आप हम सबके साथ ऐसे ही रहिए। आप रोज सुबह, आपका तबीयत खराब रहता है, कुछ भी रहता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट कार्य, कुछ भी रहता है, आप उन सबको एक साइड करके आप हर सुबह आए प्रभु जी। भले हम स्टूडेंट लोग आपके किसी किसी दिन भले मिस कर दिए कुछ कारण से, लेकिन आप कभी मिस नहीं किए प्रभु जी। तो आपसे भी बहुत कुछ हम लोगों को हिम्मत मिलती है प्रभु जी। और एक क्वेश्चन भी था मेरा प्रभु जी, जैसे मैं पिछले 6 साल से मैं हर एक पेशेंट को मेरा अपना एक भगवद गीता मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबको दूं, फ्री में ही देता हूँ। तो उनमें से भी बहुत से लोग ऐसा होता है प्रभु जी जो लेने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है, नहीं हम नहीं लेंगे या नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है। तो उन लोगों को भी मैं जबरदस्ती प्रयास करता हूँ कि वो भी एक भगवत गीता ले जाए, कम से कम पढ़े। तो उन लोगों को भी एकदम जो ज्यादा ही वो करते हैं तो उनको प्रयास नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना, मैं बताया ना, जो ग्लास है खाली है भले, लेकिन उल्टा ग्लास है, वो ग्रहण करने के मूड में ही नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए। अगर उसने भगवत गीता आपसे ले ली, भले उसका पैसा नहीं लग रहा, लेकिन उसने भगवत गीता के साथ गलत व्यवहार कर दिया, फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, कुछ कर दिया, तो अपराध आपको भी लग जाएगा, है ना। आपको ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो उस मूड में नहीं है, जो उस क्या बोलते कैपेसिटी में नहीं है कि भगवत गीता को वो इज्जत दे सके, तो नहीं देना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति। मैं प्रयास करता था कि ले जाए, कम से कम पढ़ेगा तो कम से कम उसका कल्याण हो जाएगा करके। नहीं, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन
वो दुर्व्यवहार कर देगा तो क्या होगा। ये तो साक्षात कृष्ण है ना, भगवत गीता कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। तो साक्षात कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं लगेगा ना, तुम नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलना करूँगा। चाहिए, पढ़ोगे तो मैं फ्री में दूंगा तुमको, ऐसे बोलना चाहिए। देखो भगवत गीता ये 300 रुपये, 350 रुपये की है, लेकिन पढ़ोगे तो मैं फ्री में दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं दूंगा, ऐसे बोलना चाहिए आप। नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं दूंगा, क्यों देना हो ऐसे व्यक्ति को? ले जाओ, अगर इज्जत भी करे ठीक है, नहीं भी पढ़ रहा है लेकिन वो माथे से लगा रहा है, इज्जत के साथ रख रहा है, मंदिर में रख रहा है सपोज करो, तो भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम जिसके अंदर भावना है कि ये भगवत गीता है, ये कृष्ण के मुख से निकली हुई है, उसको देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। जी ब्रो जी, ठीक थैंक यू ब्रो जी। है। हरे हरे कृष्णा, यस कृष्णा प्रभु रोनी जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत प्रभु जी आपके क्लास अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भगवद गीता पढ़ती थी लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझता था, जब से आपके क्लास अटेंड करने लगी मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ प्रभु जी। मैं चाहती हूँ कि आपको जब तक आपकी क्लास में हमेशा अटेंड करूँ। सुबह ऐसा धाक लगता है प्रभु जी की क्लास आने लगेंगी, प्रभु जी की क्लास, उसके रात को सब तैयारी करके रख लेती। बहुत अच्छा प्रभु जी, ऐसे हम पर कृपा बरसाए रखो और आपका साग हमेशा हमको मिलता रहे, यही भगवान कृष्णा से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे बहुत, अरे बहुत, धन्यवाद। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम तो ऐसे वर्णन करते कि आप हमारे जिंदगी में आए तो हमें बहुत कुछ मिल गया प्रभु जी, आपको कोटि कोटि नमन इसके लिए। मेरे पास तो दीक्षा गुरु नहीं है लेकिन जो भी है आप ही हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। आपके थ्रू सोनिया माता जी मिल गई थी मेरे को, श्लोका भी पढ़ने आ गया, बहुत कुछ आ गया प्रभु जी, पर मेरा गीता अधूरा रह गया। भगवत गीता मैं आदि मई से चालू, जून से चालू किया था। अभी फिर बिल्कुल से वो गौतम प्रभु जी सेशन चालू करेंगे तो शायद पूर्ण हो जाएगा बिल्कुल, इसके होगा ही होगा, ये सेशन बंद नहीं होगा हमारा, ये कंटिन्यू रहेगा। लिए। जी प्रभु जी, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु जी। धन्यवाद माता मैं जी, तो ये तो अपने आप को लोगों बहुत की खुश भावना नसीब है और मिलती कुछ हूँ, बहुत खुश नसीब जानती हूँ कि आप चलते चलते हमको हरिद्वार से और दिल्ली के बीच में मिल गए, मेरा भाग्य नहीं। खुल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। यस रोनी नंदन प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बस प्रभु जी मैं यही बोलना चाह रहा था कि जैसे आनंदानी माता ने बोला और अखिल प्रभु ने बोला, और प्रभु जी आपने तो, खैर हम लोग तो पढ़ते हैं प्रभु, जैसे अखिल प्रभु ने बताया, हम लोग तो कभी मिस कर देते हैं, आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, काम करते रहते हैं, भगवत ये सुनते रहते हैं। और मैं सभी भक्तों को ये बता दूं कि महेश प्रभु जो है, माधवाचार्य प्रभु जो है, सॉरी माधवाचार्य प्रभु जी जो है ना, मतलब इतना बिजी लाइफ है इनका, बिजी शेड्यूल है, इतना बड़ा बिजनेस भी है, और वो सबको मतलब छोड़ना चाह रहे हैं, और एकदम टाइम मतलब 5 बजे घर चले जाते हैं प्रभु जी जो है। सिर्फ किसके लिए जाते हैं? हमारे लिए जाते हैं, है ना? तो हमको तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि इतना इजी नहीं है कि हम पर समझ पाते, और आपने 3-3 घंटा रोज टाइम दिया, अपने बिजनेस को छोड़ कर टाइम दिया प्रभु जी, है ना? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी मेरे मन में एक क्वेश्चन भी था कि जैसे वेद व्यास प्रभु भगवान ही है, वेद भगवान के अवतार ही हैं, तो उनने क्या बोलते हैं शिव जी को, शिव जी का जैसे शिव पुराण लिखे वहां तक तो शिव शिव जी को एकदम श्रेष्ठ भगवान है, और उसके बाद फिर जैसे इधर भगवान कृष्ण को बताया, तो वो भगवान के अवतार हैं, तो क्या वो क्यों मतलब लोगों को कंफ्यूज कर, मतलब कंफ्यूजन में स्थिति में है भाई, बहुत सारे भक्त जो है कि शिव को पूरा ब्रह्मांड के नायक मानते हैं, है ना? तो भगवान वेद व्यास से ऐसा मतलब वो क्या सोच के ऐसा लिखे होंगे, गलती तो नहीं हुई होगी बोले हम इसको, तो इसका थोड़ा सा रीजन जानना चाह रहा था प्रभु जी मैं। प्रभु जी का कहना है कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को ही महान बताया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है, कंफ्यूज क्यों कर दिया उन्होंने? तो देखो ऐसा है कि हम, हमारी उम्र कितनी है, मात्र 80-100 साल, ठीक है। हम कब जन्म ले रहे हैं? हम सिर्फ अभी कलयुग के तीसरे दूसरे चरण में हैं, है ना? और आप लोगों को मालूम है ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी की आयु है ना, और ब्रह्मा जी की आयु, उसके बाद एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मन्वंतर होते हैं और एक मन्वंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, ठीक है। तो हमारी अस्तित्व का कितना ज्यादा, हम कितने काल के लिए हैं, हमारा अस्तित्व कितना है इस ब्रह्मांड की आयु के सामने? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। लेकिन लेकिन
जो भगवान के ये अवतार होते हैं ना, कृष्ण। हरे कृष्ण। ये भगवान के अवतार शक्ति अवेश अवतार हैं वेद व्यास जी, ये पूरे ब्रह्मांड पूरे काल चक्र को देखकर फिर डालते हैं अपना ये पुराणों का ज्ञान, है ना। तो भगवान का ज्ञान जो होता है ना, ये हम जानते हैं कि सिर्फ एक मन्वंतर, भगवान 28वीं चतुर्युगी में ही आते हैं ब्रह्मा जी के पूरे दिन में, है ना। बाकी समय नहीं आते श्री कृष्ण, बाकी समय कौन रहता है, बाकी तो समय अलग अलग लोग रहते हैं ना, अलग अलग उनका उद्देश्य रहता है उस मन्वंतर में। हम जानते हैं 14 जो मनु हैं, वैवस्वत मनु, चक्षुष मनु और अलग अलग मनु हैं जिनमें भगवान नहीं आते, है ना। उनमें अलग अलग, किसी में शिव जी श्रेष्ठ होते हैं, किसी में कोई और श्रेष्ठ रहता है, किसी किसी मन्वंतर में उन्हीं को सब कुछ सबको माना जाता है, उन्हीं को भगवान माना जाता है ना। तो इस प्रकार वो सबको देख के फिर उन्होंने पुराण रखा, है ना। लेकिन जब देखा कि 14 मन्वंतर में सिर्फ एक मन्वंतर में ही सिर्फ कृष्ण आते हैं, और उसमें जब भगवान कृष्ण के जो है ना, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मुक्ति पा पाते, भगवान की भक्ति पा पाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो है ना शिव जी को श्रेष्ठ दिखाना है क्योंकि उनका मन्वंतर है, एक बाकी का मन्वंतर है, इस तरह अलग अलग मन्वंतर चलते रहते हैं। भगवान कृष्ण का तो बहुत कम समय का पीरियड आता है, बाकी पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वो सबके हिसाब से वो क्योंकि वो ऊपर बैठे ना, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट ग्राउंड में जो बाहर बैठा है ना वो ज्यादा अच्छे से देख सकता है, या छत पे जो बैठा है ना वो ट्रैफिक जाम को अच्छे से समझ सकता है, कहाँ रुका हुआ है ट्रैफिक को, जो बाहर है बेसिकली जिसकी दृष्टि ऊपर है वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन जो अंदर नीचे फंसा हुआ है ना वो नहीं देख सकता आगे ट्रैफिक जाम क्यों है, मैं कहाँ से निकल जाऊँ, कौन सी गली छोटी सी है, वो नहीं देख सकता, लेकिन ऊपर छत में जो बैठा है वो व्यक्ति देख सकता है। तो इस प्रकार जो भगवान के ये जो है वेद व्यास जी, वो भगवान के आवेश है, शक्ति आवेश अवतार है, वो ऊपर से सब देख रहे हैं, हर मन्वंतर को देख रहे हैं, हर काल चक्र को देख रहे हैं, उनके पास पूरा ज्ञान है कि क्या हुआ था क्या होगा, ये तो काल बहुत छोटा सा है जिसमें हम अभी हैं। तो इस प्रकार वो सबको जो है उन्होंने उनका जो है सबका किया और सबके लिए उन्होंने लिखा। और क्योंकि देखो ऐसा है कि डायरेक्ट अगर हम किसी को भी रास्ता बता देते ना, क्या हमारी भी बात कोई मानता है क्या, किसी को भी आप बोल दोगे अरे माला कर लो तेरा उद्धार है, तो वो बोले कुछ भी बात करते, खाली नाम लेने से थोड़ी उद्धार हो जाए, जब तक कोई यज्ञ नहीं करो, जब तक कोई तपस्या नहीं करो, जब तक कोई अपने आप को तकलीफ में नहीं डालो, तब तक कैसे भगवान मिल सके, मानेगा ही नहीं। तो क्या करें ऐसे लोगों के लिए जो भगवान को डायरेक्ट नहीं मानता, उनको जो है कर्म कांड के जो है ना आश्रम में डाला जाए। जैसे हम जानते हैं लैडर, योगा लैडर में सबसे नीचे सकाम कर्म होता है, उसके ऊपर होता है कर्म कांड, तो उनको कर्म कांड में डाला जाए ताकि वो देवताओं की उपासना करें, उनकी भक्ति करें और उस रास्ते से धीरे 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 भगवान के तक पहुंच सके। तो इस प्रकार वो ऐसा हम समझ सकते हैं कि, और सबकी स्वीकृतियां नहीं होती, सबको डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए सबको जो है ना अपने अपने कर्मों में फंसाने के लिए, अभी किसी का काल समय है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उनको क्या किया जाए, उनको देवताओं में रखा जाए, देवताओं की शरण में वो चले जाए, कम से कम भाई वेदों के अनुसार तो जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार बहुत से रीजन हैं जो भगवान वेद व्यास जी ने डायरेक्ट सबको एकदम क्लियर कट नहीं बताया, लेकिन फाइनली इन्होंने आखिरी में बता दिया श्रीमद् भागवतम पुराण में कि कृष्ण ही श्रेष्ठ है। इवन भगवान के भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली हुए, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर वेद व्यास जी पे लोग कैसे विश्वास करेंगे, हैं। उनको बोलो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली, एक एक शब्द भगवान का बोला हुआ, तो अरे नहीं नहीं ये तो संजय ने बोली है, अरे ये तो आदमियों ने लिखी है, अरे ये तो ऐसा है, ये हम नहीं मानते, बोले भगवत गीता मत मानो तो मत मानो, ऐसा है प्रभु जी। सब भांति भांति के लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ मिले, इसलिए वेद व्यास जी ने सब कुछ लिख दिया। आप कृष्ण की शरण में जाने चाहते हो तो आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण है, शिव जी की शरण में जाना चाहते हो तो आपके लिए वो पुराण है, दुर्गा जी की शरण में जाना चाहते हो तो वो पुराण है, उनकी महिमा का वर्णन है इस प्रकार। ठीक है ठीक प्रभु प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। यस पद्म प्रिय माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्म प्रणाम। क्षमा हरे कृष्ण। करिएगा प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में इतना मतलब बिजी है हम लोग कि मतलब कुछ आंसर देना चाह के भी नहीं दे पा रहे प्रभु जी। मैं तो अभी बहुत ज्यादा मतलब भगवान मेरे बहुत ज्यादा परीक्षा ले रहे प्रभु जी, अभी प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रही हूँ। इसी वजह से आप हमारी प्रेरणा हो प्रभु जी, शिक्षा गुरु मानते हैं प्रभु जी आपको, और आप आपकी वजह से ही इतना दूर आए हैं प्रभु जी हम लोग। आपका संग प्राप्त होते रहे, आगे यही कामना है प्रभु जी, कृष्ण भगवान को। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। ये आपका बड़प्पन है, आप हमसे ज्यादा सीनियर हैं, आप हमसे ज्यादा भक्ति करते हैं, आप हमसे बड़े शुद्ध भक्त हैं, तो भी ये सब कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा माता अधम हो जी। प्रभु जी, कुछ कृपा करो प्रभु जी। अरे नहीं नहीं माता जी, मैं जानता हूँ आपकी स्थिति, मैं जानता हूँ। ये तो हमारा गुरुओं का आदेश है, दास 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 अनुदास, ये भाव रखना, इसलिए आप बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सच में अभी सच उनका में मतलब हो गया प्रभु जी। सोनिका माता जी आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाहती है सोनिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिनवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण पहले प्रभु तो जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतने अच्छे से हमें भगवद गीता का ज्ञान दिया, इतने श्लोकों की रेफरेंस देके। मुझे बहुत से श्लोक तो आपने याद करवाए, ना क्लास में जो देते हो वो तो होते हैं, बल्कि जो आप बार बार बोलते हो आपके सुन सुन के भी बहुत से श्लोक याद हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भगवद गीता को वास्तविक रूप से समझ पाना मेरे ख्याल से अगर आपकी क्लास ना होती तो पॉसिबल नहीं था। पढ़ा था, सुना भी था, क्लासेस भी ली, लेकिन इस तरह से समझ नहीं आया था जितना आपने समझाया। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको। हरी बोल। बहुत धन्यवाद, मेरा कुछ भी नहीं है, तो प्रभुपाद का है, हमारे गुरुओं का है। मैं भी तो सुन सुन के बता देता हूँ, मैं तो तोता हूँ, खाली सुने और बता दिए। यस अनिल प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ जो कि विगत 2 साल से भगवत गीता की क्लास में रेगुलर आ रहे हैं। जैसा कि सभी ने अपना रियलाइजेशन बताया और काफी कुछ सही है, जैसे कि रोहित प्रभु जी ने बताया कि हमारे माधवाचार्य यानी महात्माचार्य प्रभु जी, सबसे पहले तो वो हम सबको देखना चाहिए, वो गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हैं। तो मैं पर्सनली लेवल पे समझ सकता हूँ कि जो गृहस्थ का जो लाइफ स्टाइल है ना, बहुत बिजी होता है वाकई में। और बिजीपन तब बन जाता है कि वो जब वो बिजनेस मैन हो, है ना। अब बिजनेस मैन को सुबह टाइम पे निकलना है, टाइम पे आना है, पूरे क्लाइंट को देखना है, कस्टमर को हैंडल करना है, प्लस घर को भी देखना है। अब घर से कभी भी फोन आएगा, भैया आप वापिस आ रहे तो आप सब्जी ले आना, ये ले आना, बच्चे लोग का डिमांड रहता है। तो कहने का मतलब गृहस्थ लाइफ में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिनको हमको फुलफिल करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है ना, तब आप क्लास की तैयारी करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे माधवाचार्य प्रभु, सॉरी हिज ग्रेस माधवाचार्य प्रभु जी पिछले 2 साल से कितने डेडिकेटेड हैं। इवन अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे ना, वाकई में पढ़ेंगे, आप पर्सनली लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो आपको कम से कम ना 40 मिनट तो लग ही जाएंगे खुद पढ़ेंगे तो। लेकिन हम अगर किसी को समझाने के लिए पढ़ेंगे ना, तो मिनिमम आपको मान के चलिए आपको 2 घंटा लगेगा ही लगेगा। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी श्लोक पढ़े समझे और कुछ भी मुंह उठा के बोल दिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम देख सकते हैं 2 साल से प्रभु जी जो श्लोक बताते हैं, बकायदा उसका रेफरेंस कितने पेज में है, श्लोक संख्या के साथ बताते हैं। इवन प्रभु जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि अगर हमको जो चीज नहीं आती है वो हमको क्लियरली बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं पता। तो प्रभु जी के मैंने मुझे कई बार सुना भी है कि इसका आंसर मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, शायद ये हो सकता है, बट कंफर्म करने के लिए मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये एक जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, उसमें ये गुण होने चाहिए, और ये प्रभु जी में है, वाकई में है। और दूसरा चीज, जैसे कि सोनिका माता जी ने भी बोला कि वाकई में हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आती। अगर हम क्लास में नहीं आते तो अगर मेरे से आप पूछेंगे, सेम मेरा भी ऐसा ही रियलाइजेशन रहा है प्रभु जी। स्टार्टिंग में भगवत गीता पढ़ता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब अगर हम एक्चुअल में अगर उसकी मीनिंग की बात करें, डीप में जाए ना, तो वो ज्ञान उतना नहीं है जो हम दूसरों को बता पाए। वो हमारे पर्सनल लेवल पे ठीक है कि खुद पढ़ रहे खुद समझे, लेकिन आप दूसरों को बता रहे हैं ना, तो आपको और डीप में होना चाहिए। तो यही चीजें मैंने आपसे सीखी हैं विगत 2 साल से। और मैं सही बताऊं ना, जब शुरू में आप क्लास लेते थे ना, तो मैं आपको बहुत लाइट लेता था, बहुत हल्का लेता था,
लेकिन जैसे जैसा क्लास आगे बढ़ता गया ना, जैसा जैसा क्लास आगे बढ़ता गया, फिर मैं देखा ये तो ठीक है भाई, प्रभु जी तो एक कदम और आगे हैं, बकायदा रिफरेंस दे रहे हैं, भागवतम से दे रहे हैं, और आपका जो समझाने का तरीका प्रभु जी वो एकदम हटके है, क्योंकि सबसे शुरू तो आपके चेहरे में एकदम स्माइल रहती है, तो स्माइल देखते ही ना हम लोग एकदम लाइट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, अब जैसे कि कोई वरिष्ठ वैष्णव आएंगे तो उनका जो बताने का जो टोन है वो अलग ही रहता है ना, मतलब थोड़ा सीरियस रहता है, तो वहां पर हम हंस भी नहीं सकते, ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी क्लास में ना जो दिल में एक्चुअल में रहता है वो हम खुल के बता पाते हैं, बोल पाते हैं। कारण ये है कि हम जैसा आपको देख रहे हैं स्माइल करते हुए हंसते हुए, तो हमारा भी एक स्टाइल बन गया, अभी हंसते हुए बात करें, हंसते हुए हर चीज को समझे। और दूसरी चीज प्रभु जी, आपने कौन सा श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, दूसरे या फिर तीसरे चैप्टर में, मैं आपको सीरियसली कब लिया मैं वो बता रहा हूँ। हम ऐसी हम आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि जो आत्मा है वो किस, उसका जन्म क्या होता है, कहाँ से आता है, तो प्रभु जी ने बताया कि जो एक मनुष्य है ना, या फिर जो भी 84 लाख योनिया है, वो सब की जो आत्मा है ना एक्चुअल में ऊपर से आती है, मतलब बादल में आती है। बादल में क्या है, पानी की बूंद है, पानी की बूंद में प्रवेश करेगी, और जैसे कि अगर मुझे मनुष्य योनि पाना है तो वो एक खेत में गिरेगा, मतलब चावल के खेत में गिरेगा, चावल के खेत में वो आत्मा वो चावल में प्रवेश कर जाएगी, फिर प्रकृति ऐसा व्यवस्था करती कि वो चावल मेरे घर तक आए, फिर मेरे घर वाले ने खाए, मेरे पापा ने खाए, अब चूंकि मैं आत्मा फॉर्म में था तो वो पापा जी ने खाया, फिर उनको ग्रहण किया, फिर वो माता के गर्भ से होते हुए फिर मेरा अस्तित्व में आया, मतलब हम सबका अस्तित्व में आएगा, ये मनुष्य की जनरी है। लेकिन अगर किसी को कुत्ता बनना है या फिर बिल्ली बननी है, तो प्रकृति ऐसा व्यवस्था करती कि वो दूसरे खेत में गिरेगा, फिर वो चावल खाएगा, अब हो सकता है वो गाय वो चावल खा लिया, अब उसमें आत्मा का प्रवेश है, अब चूंकि गाय ने खाया है, अब आपको अगर गाय ही बनना है तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है कि वो गाय ही खाए और फिर गाय के फॉर्म में आपका जन्म हो, तो ऐसा बहुत कुछ उसमें डिस्कशन हुआ था, तब मुझे पता चला कि प्रभु जी थोड़ा हटके हैं, प्रभु जी को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रभु जी, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन जितने लोगों ने बोला एकदम सही बोला, भगवद गीता का जो क्लास है ना बहुत ही अच्छा रहा और शानदार रहा, 2 साल से हम भगवद गीता का जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो आपकी क्लास में आने के बाद समझे, खासकर अगर मैं बोलूँ तो। और दूसरा चीज है, जैसे कि माता जी ने बोला कि मैंने भी बहुत सारे श्लोक सुन सुन के याद किए, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा प्रभु, जैसे कि आप बोलते हो ना श्लोक बोलते हैं या फिर बाकी भक्त लोग जब दोहराते हैं ना, तो पूरा तो मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक दो लाइन मेरे को याद हो जाता है, फिर जब मैं याद करता हूँ तो फिर उसको और पढ़ने में या फिर याद करने में मेरे को इजी जाता है। और दूसरी चीज, हम जानते हैं भगवद गीता कितना इम्पोर्टेंट रखता है, एक प्रभु जी या फिर माता जी ने वैसे चैट बॉक्स में लिखा है कि भगवद गीता से हमने ये सीखा कि हमको कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, कैसे रहना है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो वाकई में ना अगर हम भगवद गीता को पढ़ें समझें प्लस उसको अप्लाई भी करें, पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, और उसको लाइफ में जीना अलग चीज है, तो मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गीता के हर एक श्लोक में आपको उतारू समझू, क्योंकि अगर हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ लिए रट लिए समझ लिए तो वो काफी नहीं है, फिर भगवत गीता का पढ़ने का मतलब कोई कोई वैल्यू नहीं रह जाता मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, प्लस उसको लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए सभी के लिए, तो ये मेरे लाइफ में काफी कुछ चेंज हुआ है प्रभु जी, जैसे कि पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में है, इवन जैसे कि मैं बात भी करता हूँ तो लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, जो शब्दों का जो वो है, तो ये सब कुछ भगवद गीता से आया है, और आपकी क्लासों में आप जो बोलते हैं उसको सुन सुन के आया है प्रभु जी, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये माता जी, कुलजीत माता जी ने लिखा है चैट बॉक्स में, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा लगता है जैसे लाइफ ही बदल गई है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है, सब भगवत गीता से सुन सुन के शिक्षा मैंने, आपकी कृपा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। मतलब उनको भगवत गीता से ये समझ में आया कि बोलना क्या है, सोचना क्या है, जीना क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें भगवत गीता के ज्ञान से मिली, ये सच है, और इसमें कोई दो मत नहीं है, जो भगवत गीता को अच्छे से सुनेगा, जो इस पूरी क्लास को अटेंटिवली सुनेगा, वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है सुन तो लिए फिर उसको भूल गए, जीवन से निकाल दिए, ऐसा नहीं था,
ना, सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, फॉलो करना है। क्योंकि हमने ये भगवद गीता को प्रैक्टिकल जीवन से जोड़ के बताया है। हर श्लोक में हमने बताया कि हमारे लिए इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है, इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, हमको कैसे रखना है अपने आप को। तो वो हमने भगवद गीता की क्लास के माध्यम से सुना। और बेसिकली भगवद गीता हमारे एटीट्यूड को बदलती है, हमारे सोच, हमारे भावनाओं को पूर्ण रूप से हथौड़ा मार के चेंज कर देती है कि नहीं, अब आपको ऐसे सोचना है। तो हमको हमारे सोच में परिवर्तन लाना है, हमारे जो है कर्मों में, हमारे डेली शेड्यूल में, हमारी लाइफस्टाइल में, हर जगह हमको परिवर्तन लाना है भगवद गीता के माध्यम से। तो आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से समझ गए, और भगवद गीता के अनुसार भगवान इसमें बोलते भी हैं कि वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्ति क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि उसके विचार बदल जाते हैं। अब वो जान गया है कि कृष्ण ही सर्वो सर्वे हैं, कृष्ण की आराधना से ही मैं तीनों गुणों को पार कर सकता हूँ, कृष्ण की आराधना, कृष्ण को विचार करते हुए ही मैं कर्म के बंधनों से छुटकारा पा सकता हूँ। तो ये सारा जो है हम समझते हैं भगवद गीता से। और किसी भी जीव के लिए हत्या, जीव को परेशान न करना, जीव दया रखना अपने अंदर, ये सारी चीजें हमने भगवद गीता से सीखी समझी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल कल भी अगर किसी को कुछ कहना है तो वो तैयारी कर सकता है। कल भी हम 15 मिनट लास्ट का रियलाइजेशन ही रखेंगे, कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन, 5 दिन लास्ट के 10 मिनट, 5 मिनट रियलाइजेशन रखें, 6-7 बजे क्लोज क्लास क्लोज कर दें, क्योंकि अब ज्यादा श्लोक बचे नहीं है। तो जो 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 सीख रहा है, जो भगवद गीता से जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है कि मेरे को भगवद गीता से ये सबसे अच्छी चीज लगी सीखने की, तो वो आप अपनी अपनी बात बताएंगे तो शायद और अच्छा लगेगा, है ना। सबको सुनाई देगा, सबको सुनने में आएगा कि आपने इस भगवद गीता के सेशन से क्या सीखा, जो कि जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका वर्किंग करें, तो हम 2-4-5 दिन सबसे सुनने की कोशिश करेंगे, सब बोलें अपने अपने लेवल पे कि क्या मेरे को भगवद गीता का सबसे ज्यादा अच्छा महत्वपूर्ण ये चीज लगती है, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रभु जी एक क्लास में आप। रिक्वेस्ट था। हरी बोल प्रभु जी, ये भगवतम क्लास करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे तो रथ यात्रा दिन से कोशिश करेंगे ना प्रभु जी, मजा आ जाएगा। मतलब उस दिन शायद यहाँ पे मंदिर में भी क्या कलश का वो है, शायद ध्वजा क्या बोलते हैं, कलश चढ़ाते हैं ना ऊपर सुबह, वो प्रोग्राम है बढ़िया। तो हमारा भी शुरू रथ यात्रा के दिन से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा प्रभु जी, ज्यादा श्लोक बचा भी नहीं है, है ना। हाँ, तो बम्पर हो ओपनिंग जाएगा निश्चित करते तौर हैं से, प्रभु हो जी बड़ी। जाएगा निश्चित तौर से, हो जाएगा। आप जो है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हरि हरी बोल। हाँ बोल, हरि बोल। तो कोशिश यही रहेगी, 7 तारीख को हमारी जो है ना रथ यात्रा है, तो 8 तारीख को सुबह सुबह पहली जो क्लास होगी वो श्रीमद् भागवतम की होगी। अगर सब जल्दी सो गए, सबका आराम हो गया 7 तारीख का, तो नहीं तो 9 तारीख से हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं ना रोहिणी? 7 को ओपनिंग करिए ना, मतलब भगवतम क्लास को जो है ना, कैसे अच्छा वो अच्छा एक इंट्रोडक्शन जो है ना वो हो जाए उस दिन, स्टार्टिंग हो जाए, बाकी आप 8-9 जो भी करना है वो करते रहिएगा। हाँ ठीक है, 7 भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत दिन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रभु जी जैसा चाह रहे वैसे ही होगा। 7 तारीख से ये फिक्स हो गया कि हमारी भागवतम क्लास स्टार्ट हो गई। हरि बोल, हरि बोल, हरे हरी कृष्णा, बोल, हरे कृष्ण, हरी हरी कोई बोल। यादगार नहीं। हाँ, तो 7 तारीख से हमारा भागवतम का क्लास चालू है, इंट्रोडक्शन चालू है भागवतम का। फिर जैसे आगे बढ़ा, फिर अपन अपना बनाएंगे, हम जैसा फॉर्मेट तैयार करेंगे, 2-3 दिन चर्चा करके फिर उस फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि श्री भागवतम पढ़ना भगवद गीता की तरह इतना ज्यादा डीप में हम नहीं जा सकते, 18,000 श्लोक हैं, अगर इतना डीप में जाएंगे तो 10 साल लग जाएंगे हमारे को। 700 श्लोक करने में 1.5 साल लग गया हमको, तो 18,000 श्लोक करने में कितना समय लगेगा। तो हम ऐसा फॉर्मेट तैयार करेंगे कि कम से कम रोज तीन चार श्लोक जाए, और अगर इम्पोर्टेंट श्लोक है तो उस पर डिस्कशन जरूर होगा, बिल्कुल होगा। अगर जैसे कोई कथा है, सिर्फ कथा ही है, तो हम बता देंगे ये आपको पढ़ना है, ये सारे 10 श्लोक पढ़िए, ये कथा है, कथा पढ़ चर्चा कर लिए, बाकी श्लोक आप सब पढ़ लीजिए, ऐसा करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं आज की, बहुत समय हो गया, कल
सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय, जगत गुरु की जय, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।